हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय बजट के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न जो शायद ही आप लोगों को पता होगा या फिर आप लोगों के माइंड में ये सब प्रश्न जरूर आए होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट में आगामी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय क्रियाकलापों का विवरण रहता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में अभी तक पेश किए गए अधिकांश बजट घाटे के बजट ही थे। आमतौर पर भारत के केंद्रीय बजट फरवरी के अंत में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व वित्त मंत्री मुरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि यदि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो संसद में बजट अंग्रेजी में ही क्यों प्रस्तुत किया जाता है? सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि यह संविधान में वर्णित कई आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत के विभिन्न राज्यों में संविधान में वर्णित 22 आधिकारिक भाषाओं असमिया, बांग्ला, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू आदि के अलावा अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता है। चूंकि सांसद अलग अलग राज्यों से चुनकर आते हैं जहां की आधिकारिक भाषा अलग अलग होती है, लेकिन अधिकांश सांसद अंग्रेजी भाषा जानते हैं और उन्हें अंग्रेजी भाषा में बात करने में सहूलियत होती है, जिसके कारण बजट अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि सांसदों को उपलब्ध ईयरफोन में अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की सुविधा होती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आम लोगों के बीच यह गलतफहमी है कि बजट हिंदी भाषा में तैयार नहीं किया जाता। वास्तव में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में बजट तैयार करने की परंपरा 1955 से 56 से ही शुरू हो गई थी। क्या आप लोगों को पता है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था और किसने किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आरके सनमुखम सेठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि पहला रेल बजट 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। क्या आप लोग जानते हैं कि संसद में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री अपने साथ लाल रंग का ही बैग क्यों लाते हैं? बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा 1860 में शुरू हुई थी, जब विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन ब्रिटिश राजकोष के चांसलर थे। वे अपने लंबे लंबे बजट भाषण के लिए प्रसिद्ध थे और उनका बजट भाषण लगभग 5 से 6 घंटे तक चलता था। इस तरह के लंबे बजट भाषण के लिए आवश्यक फाइलों और दस्तावेजों को सही ढंग से संसद हाउस ऑफ कॉमन्स तक ले जाने के लिए उन्हें एक बैग की जरूरत महसूस हुई। अतः ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी ने उन्हें लाल रंग का चमड़े का एक बैग दिया, जिसे बजट बॉक्स कहा गया। उसके बाद से सभी वित्त मंत्रियों द्वारा बजट पेश करते समय लाल रंग वाले बैग लाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जो आज तक चली आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हमेशा घाटे का ही बजट क्यों पेश किया जाता है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ सरकार का मुख्य उद्देश्य हमेशा लोगों के कल्याण को बढ़ाना होता है, लेकिन भारत सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने और अच्छे बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए प्रचुर मात्रा में पैसे नहीं है। ऐसी हालात में सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है? भारत राज्यों का एक संघ है। किसी भी संघ में 2 मुख्य संस्थाएं होती हैं, संघीय राज और केंद्र। भारत मजबूत केंद्र वाला राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में केंद्र को राज्यों का संघ कहा गया है, इसी कारण संघ के बजट को केंद्रीय बजट कहा जाता है। संसद में पेश किया जाने वाला बजट पेपर से ही क्यों पढ़ा जाता है? क्या इसे डिजिटली नहीं बनाया जा सकता? फिलहाल भारत सरकार डिजिटल बजट पेश करने के बारे में नहीं सोच रही है। ऐसा कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि यदि डिजिटली बजट साइबर हैकिंग का शिकार हो गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंचाई जा सकती है। इसलिए बजट को सफ़ेद कागज पर काली स्याही से छापा जाता है ताकि स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर यह बात बताने योग्य है कि उत्तराखंड में भारत ने सबसे पहले डिजिटली बजट पेश किया था। क्या आप लोग जानते हैं कि संतुलित बजट और घाटे का बजट किसे कहा जाता है? जब सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय उसकी आय के बराबर होता है तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है, लेकिन जब बजट व्यय बजट राजस्व से अधिक रहता है तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। इसके उलट यदि सरकार की आय अधिक होती है और व्यय उससे कम होता है तो इसका मतलब है कि सरकार ने कुछ पैसा बचा लिया है या सरप्लस बजट बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में लगभग हर देश का बजट घाटे का ही बजट बनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अब आपको काफ़ी हद तक बजट के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ हो गई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।